नमस्कार, मैं आपको एक अद्भुत उपाय बता रहा हूँ जो आप सोमवार या किसी पूर्णिमा को दिन आप कर सकते हैं। यह उपाय आप पूर्णिमा के दिन या किसी सोमवार को करें, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को करें तो अति उत्तम, पूर्णिमा को करें तो अति उत्तम, और अमावस्या को भी करें तो बहुत उत्तम है। आपको बता रहे हैं, आज ये चंद्र ग्रहण है, बुध पूर्णिमा है, और आज के दिन अगर आप सफ़ेद मदार के पौधा जो सुनसान स्थान पे हो, जहाँ पे कोई जाता आता नहीं हो, खंडर में हो, वहाँ पे आप जाइए, पहले तलाश कर लीजिए। उसके बाद आप एक लोटा में जल लीजिए, उसमें हल्दी लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा अक्षत यानी चावल डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा इत्र और कच्चा दूध डाल दीजिए। उसके बाद आप इस पौधे को देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पौधे को जो है ये इस तरह से आप पहले स्नान कीजिए, फिर इस पे श्री रम ह्रीम गम श्री ह्रीम मंत्र का आप जाप करें, फिर जा करके इसका आप अनुष्ठान करें, फिर जा करके इसका जो है आप ऐसा करें तो आप इसका बहुत से उपाय, आप जैसे कि आपका रोग हो, शत्रु हो, ऋण है, अगर कोई काम आपका नहीं बनता हो, कठिन से कठिन कोई भी काम, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप करिए। और सोमवार के दिन ये करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। करना क्या है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन करें, और अमावस्या के बाद जो सोमवार आएगा उसमें भी आप कर सकते हैं, और ग्रहण काल में करें तो अति उत्तम है। और इसका आप जाप करें, फिर उसके बाद इसका मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट स्वाहा, ओम गम गणपति नमः। जैसे कि आपको बता दें, गणेश भगवान का एक बीज मंत्र है, गम गणपति नमः। ये देखिए वीरान जगह पे है, ओम ह्रीम, देखिए यहाँ पे मंत्र से लिखा हुआ है, और मंत्र का आप जाप करें और बहुत से लाभ होंगे। ये मदार का है, ये देख लीजिए, ये फूल भी लगे हुए हैं मदार पुष्प के, और इस पे आप इसका अभिषेक करें, जैसे कि नहाते हैं ना, पूरे पौधे को नहा दीजिए, उसके बाद इस पे तिलक लिखिए, और जो भी आपको गणेश भगवान का या लक्ष्मी जी का मंत्र हो वो आप इस पे बीज मंत्र लिखें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बीज मंत्र कर लिख करके और यही प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आपके ऊपर जो भी अदृश्य शक्ति, देवी देवता, जो भी अदृश्य शक्ति हो, और उससे मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे साथ चले और हमारा काम जो है वो कर दे, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और यही पे आप उसी मंत्र से आप बीज मंत्र का 108 बार जाप करें।
108 बार जाप करने के बाद आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, ये अत्यंत लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, एक उपाय और बताइए, मदार पुष्प का पौधे का बता दिया, और उसके बाद अगर आप मदार पुष्प का नीचे का छोटी सी 1 इंच या 2 इंच का जड़ को यानी मूल को 1 दिन पहले यानी रविवार को आमंत्रित करें और सोमवार को ले आए, उसके बाद सहदेवी की जड़ और जिसको बोलते हैं चिरचिरी का जड़, ये तीनों जड़ को लेकर के और गणेश भोज पत्र पे गणेश जी का यंत्र में बना करके उसमें आप इसको लपेट के चांदी के ताबीज में अगर आप बना के पहनते हैं तो आपको सदैव के लिए रक्षा करेंगे और आपको किसी भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और आप ये सोचेंगे कि मैंने किसी का कर्ज ले लिया हूँ, अब मैं कर्ज नहीं दूंगा ये पहन के, ये नहीं होगा। आपका वाजिब जो है, आपका कर्ज आप लिए हैं वो कर्ज नहीं टूट ख़त्म हो रहा है, तो आपका काम धंधे में आपकी समझ में आने लगेगा जो कि क्या काम करूँगा। आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, उससे आपका इनकम सोर्स बढ़ जाएगा और उसके इनकम सोर्स बढ़ने के बाद आप उस कर्जे के बारे में आप सोचेंगे भाई उसको दे देना है, और इसी तरह से आप उसका कर्ज आप चुका देंगे। दूसरी बात, अगर आप यही मदार पुष्प की जड़, सहदेवी की जड़, अपराजिता की जड़ और बेल की जड़ और ये सबको थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप ले लें और जा करके उसको आप गणेश आपके घर में अपने पूजा स्थान पर रख करके अगर उसको आप 21 दिन तक 21 माला से जाप करें गणेश भगवान का बीज मंत्र से जाप करें और 21 माला रोज 21 दिन गम गम गणपतिये नमः। नहीं तो अगर आप सभी प्रकार के चाहते हैं तो ये मंत्र आप पढ़ना है 21 माला, लेकिन जाप करना है रोज। वक्रतुंड महाकार सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं करो मैं देव सर्विकार सु सर्वदा, ये मंत्र को आप 21 माला 21 दिन जाप करेंगे तो आपका जो किसी भी हर काम में आपका ये एक सुरक्षा कवच बन के तैयार रहेगा आपका, और इसको आप करिए आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। ये मदार पुष्प है, इसको आप कीजिए और अत्यंत लाभ मिलेगा। तीसरी उपाय और बता रहा हूँ, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के पहली सोमवार को संध्या के टाइम में आप 5 पत्ता पान का ले ले, डंडी सहित 5 पत्ता पान, 5 प्रकार के मिष्टी यानी मिठाई ले लीजिए और 5 लौंग 5 इलायची और धूप और उस पे कपूर से जलाइए, उस पे गूगल रखिए। उसके बाद जा करके आप जो है रख करके और मदार पुष्प के जड़ के पास आप रख दीजिए और उनको एक लोटा जल से, दूध मिला हुआ जल से आप अभिषेक करें, फिर वो रख दें, वो धूप जला दीजिए, फिर आप प्रार्थना कीजिए। हे वृक्षराज आपके ऊपर जो भी अदृश्य शक्ति विराजमान है मैं उसके लिए ये भोग लाया हूँ और ये भोग ग्रहण करें और मेरे साथ चल के हमारे जो भी समस्या है और सारी समस्या का समाधान कर दें और मेरे साथ चलिए। आपको मैं बता दूं
ये उपाय अब बहुत कारगर है, अजमाया हुआ है। आप जाएंगे अपने घर पे, घर पे जाने के बाद आप उस रात को अपने घर के दरवाजे पे थोड़ी, घर के बाहर थोड़ी सी चावल रख दीजिए और उसमें दोनों तरफ से दीप जलाइए और दीप के अंदर लौंग, फूल वाली लौंग दो दो दे दीजिए और पीली सरसों डाल दीजिए और दो दो काली मिर्च डाल दीजिए और रात में आप सो जाइए, क्योंकि आपके अदृश्य शक्ति आप महसूस करें, महसूस करें, उसी रात आपको स्वप्न में आएंगे, दिखाई देंगे और आपके सारे काम करने के लिए धीरे धीरे आपके सारे काम करते जाएंगे। और इसी तरह से आप ये उपाय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।